डॉक्टर भाटी, देखिए कार्डियक अरेस्ट ड्यूरिंग मैराथन या कोई भी लंबी दूरी की जो रेस होती है, ये कोई बहुत बड़ा फिनोमेना नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लगातार बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा केसेस नहीं आ रहे, लेकिन अब केसेस आने लग गए हैं। और और सिर्फ भारत में नहीं आ रहे, मैं अभी पढ़ रहा हूँ यूके से, यूएस से, काफी चर्चा वहां पर भी चल रही है कि कैसे लोगों को अवेयर किया जाए। कहां कहां पर हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, और वो ऐसी कौन सी इवैल्यूएशन है, मेडिकल इवैल्यूएशंस जो हमें कर लेनी चाहिए इस तरह के हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या लॉन्ग रनिंग से पहले? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम कोविड के बाद देखें थोड़ा, तो लोगों में हेल्थ को लेके जागरूकता बढ़ी है, और इस तरह की एक्टिविटीज की भी बात करें तो वो भी निश्चित तौर पे बढ़ी है। यहाँ पर जैसा हमने बताया कि जो गलतियां कहाँ पर हो जाती है, देखिए ज्यादातर क्या होता है कि कई बार हमें एक्टिविटी का, कोई भी एक्सरसाइज का मोटिवेशन तो होता है, पर उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा शरीर तैयार है कि नहीं। इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि देखिए, हम रनिंग कर रहे हैं, कोई भी किसी भी तरह की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, या डांसिंग कर रहे हैं, जुम्बा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी तरह की एरोबिक एक्सरसाइज, कुछ चीजों को जानना जरूरी है, जिसमें कि रेस्ट हो गया, रिकवरी हो गया, कि हम एग्जर्ट कर रहे हैं तो एग्जर्ट कर ही जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने मैराथन में भी पार्टिसिपेट करना, उससे पहले भी अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग का भी एक तरीका होता है, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, वो सही तरीके, हमें मतलब उन सही तरीकों से अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें डाइट एंड स्लीप का बहुत ज्यादा रोल हो जाता है, नींद आपकी 6 से 8 घंटा होना बहुत जरूरी है, ओवर स्ट्रेन हमको नहीं करना, ओवर एक्सरसाइज या ओवर एग्जर्ट नहीं करना। आपको आपकी टारगेट हार्ट रेट पता होनी चाहिए कि वो आपकी कितनी है, और वो किस तरह से बिगनर लेवल से लेके, आपको कम्पीट किसी और से नहीं करना, शुरुआत अपने आप से, धीरे धीरे आपको आपकी टारगेट हार्ट रेट को बढ़ाना है। वार्म अप जैसी कुछ चीज होती है या कूल डाउन जैसी चीजें होती है जिनके बारे में ध्यान रखना है, स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब का ध्यान रखना जरूरी है। और आप रनिंग कर रहे हैं किसी भी तरह की, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको अपनी मसल्स, ज्वाइंट्स एंड बोन्स का भी ध्यान रखना है, उनकी भी स्ट्रेचिंग होनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो आपकी ब्रीदिंग और हाइड्रेशन का ठीक होना, कि आपको हाइड्रेशन को ठीक से रखना है, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ठीक से होना जरूरी है। रनिंग भी कर रहे हैं तो वॉक एंड रन, कि आप ओवर एग्जर्ट कर ही जा रहे हैं, मतलब आपने हेडफोन्स लगा रखे हैं और आप भागे जा रहे हैं, आप कुछ सुने जा रहे हैं, और कभी आपकी स्पीड आपकी रिदम से नहीं हो रही। तो कई बार क्या होता है, जैसे आपने मेडिकल टेस्ट की बात करी कि कई तरह के हमारे अनडाइग्नोज प्लाक्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। अभी जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हार्ट के अंदर या तो इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम हो सकती है या ब्लॉकेज हो सकती है, तो उसका कई बार हमें पता नहीं होता, कई बार सिम्टम्स भी इस तरह के आपको नहीं आ रहे। तो ऐसी कोई भी हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज या एक्टिविटी में अपने आप को एनरोल करने से पहले कुछ चीजें जरूरी है जान लेना। बेसिक टेस्ट का जैसे हमेशा बात करते हैं, उसके साथ साथ अपने रिस्क फैक्टर को जानना जरूरी है। ब्लड प्रेशर, शुगर, वेट, BMI, लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, इन सब की बात करते हैं। फैमिली हिस्ट्री इवेल्युएट करना जरूरी है। अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, अर्ली एज में हार्ट डिजीज की कोई प्रॉब्लम है, तो उनको शायद कुछ एडवांस टेस्ट कराने की जरूरत पड़ सकती है।